हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है कौन धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है भैया। और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर के लिए आप आत्माएं बचा सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर कलीसिया उठाने के बाद जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा, दुनिया भर में हफ्ते टूटना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे एक दूसरे को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे, जैसा लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 18:6 में। हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ, ठीक है भैया। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते झोंक कर बिताएंगे, और सब हाथ के वन पशु उनको खाते खाते जड़ा काटेंगे। इस पृथ्वी पर लाशें ही लाशें पड़ी रहेंगी, जानवर नोच नोच कर खाएंगे। इतनी तबाही त्राही त्राही मची होगी इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में। उस समय परमेश्वर का कहर बरसेगा, कहर इस पृथ्वी पर। प्रकाशित वाक्य 6:7 में लिखा हुआ है, और जब उसने चौथी मोहर खोली यानी मेमने ने, प्रभु यीशु मसीह ने, तो मैंने चुनौती प्रणाली को यह शब्द कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा कि पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है, और न पृथ्वी के एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब परमेश्वर चौथी मोहर खोले का कलीसिया उठाने के बाद, तब इस पृथ्वी पर दुनिया भर की आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे मनुष्यों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। उस समय जो मनुष्य अपने घर में घुसा रहेगा वह भूख से मरेगा, और जो कुछ बाहर निकलेगा वह तलवार से मारा काटा जाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। अभी तक बहुत मजा आ रहा है पाप करने में, सांसारिक जीवन बिताने में। हर वीडियो में मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, भैया पाप मत करो, पाप मत करो, मगर उसकी मसीही के समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यह आजकल की पुस्तक 7:15 में लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा देख लेना भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को काट पीट के ना देखे, कटी पीटी जानकारियाँ को समझ में नहीं आएगी। जो वीडियो काट पीट के छोड़ के चले गए हैं वे अपना बहुत कुछ खोकर चले गए हैं। जो वीडियो में बने हैं शुरू से अंत तक उनका धन्यवाद करता हूँ। बाहर तलवार है और भीतर महंगी है, मरी है जो मैदान में है वह तलवार से मारा जाएगा, और जो नगर में है वह भूख से और मरी से मारा जाएगा। उस समय मसीह विरोधी के दिन में बहुत तड़पाया जाएगा, जो बाहर होगा वह तलवार से मारा जाएगा। अगर उस समय घर में घुसर रहोगे तो भूख से और मरी से मारे जाओगे, और बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकलोगे तो तलवार से मारे जाओगे। इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 साल में मेरे प्रियो, लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। जैसे मरकुस 13:14-19 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ, ठीक है भैया। तब जो यहूदी में हुए पहाड़ों पे भाग जाए, जो कोठे पर हुआ अपना घर में कुछ लेने के लिए न लौटे, और न कुछ लेने को भीतर जाए, और जो खेत में हुआ अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। यहाँ क्यों ऐसा लिखा है कि जो यहूदी में हुए पहाड़ों पे भाग गए और अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे? क्योंकि भैया उसमें मसीह विरोधी के दिन में 3.5 साल ही बचेंगे, और उन दिनों में किन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय, उनके लिए हाय हाय। क्योंकि मसीह विरोधी के दिन में जिस किसी स्त्री के पेट में बच्चा होगा उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। मारी मारी भागी भागे फिरेगी, तराही तराही मची होगी इस पृथ्वी और मसीह विरोधी के दिन में मेरे प्रियो। सैनिक लोग जब यीशु के सिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो यीशु ने उन स्त्रियों से एक बात कही थी कि तुम मेरे लिए नहीं वरन अपने बच्चों के लिए जाके रो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है, आप तो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप तो यीशु के स्वर्ग चली जाएंगी। अगर आपका बेटा यीशु पर विश्वास नहीं करता होगा, अगर वह मसीह विरोधी के हाथ में दिन में फंस गया, पड़ गया, तो आपका बेटा तलवार से मारा जाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सभी पत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अगर जो कोई यह गलती से छूट जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। परमेश्वर इस सूरज की किरणों को एक आग का गोला बना के रख देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, और मौत मांगोगे और मौत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब तो उसको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा। वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे अपने विचार गलत काम किया है। और स्वर्ग में कौन जाएगा? देखिए, परमेश्वर ने सिर्फ वफादार मसीहों को चुना है जिन्हें स्वर्ग में रहने के लिए जिंदा किया जाएगा।
क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा भैया, तिमिथियुस चार अध्याय के तीनों चार वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के समान अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जब अंत का समय आएगा तो ऐसा होगा कि लोग खरी बातें ना सह सकेंगे। जब किसी को स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है तो कहेंगे, बदर हमें ये सब मत बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे चंगाई मिले, नौकरी मिले। सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे, इसलिए वचन कहता है सत्य को सुनना ना चाहेंगे, सत्य से अपने कान फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। कोई सत्य को सुनना ना चाहेगा, अपने कान व्यर्थ बातों की ओर लगाएंगे। देखिए मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है, परमेश्वर पाप से एक पापी से प्रेम करता है, मगर पाप से वह हजारों किलोमीटर दूर रहता है। आप सभी को जय मसीह की।